भैया कुछ प्यार आज हैदराबाद सिटी पुलिस वेस्ट जोन के तरफ से एक इंटर स्टेट हाउस बर्गलरी गैंग के चार मेंबर को डीसीपी वेस्ट जोन एआर श्रीनिवास के लीडरशिप में और उनके पूरे टीम मिलकर ये चार लोगों को अरेस्ट किए। ये चार मेंबर गैंग जो है इसमें मोस्टली नाइट एचपी थेफ्ट किए, मोस्टली साइबराबाद और राजकोंडा के पुलिस कमिश्नरेट में है। इसके पहले ये लोग दिल्ली, बैंगलोर, उत्तर प्रदेश और नागपुर में भी ऑफेंसेस किए हैं। आज के अरेस्ट में जो रिकवरी हुआ उसमें 130 तुलास ऑफ गोल्ड, 1.5 केजी ऑफ सिल्वर आइटम और i20 हुंडई कार इसकी रिकवरी हुई। ये गैंग में जो मेंबर्स हैं उसमें अक्यूज वन शमशद एलियस भूरा जो कि मेसन का काम करता है और टेम्पररी याकूतपुरा हैदराबाद में रहता है लेकिन ओरिजिनली ये मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। अक्यूज नंबर टू आरिफ एलियस मुस्तकीम ये ओरिजिनली राशिद मार्केट दिल्ली का रहने वाला है और मोहम्मद वासी एलियस नदीम ये भी दिल्ली और आगरा में रहा है और इसके पहले दिल्ली में इसके ऊपर लगभग 70 केसेस हैं। ये लेदर जैकेट का बिजनेस करता है और जो लास्ट मेंबर है रई सलीम कुरैशी ये ओरिजिनली सूरत डिस्ट्रिक्ट गुजरात का है और ये हैदराबाद में याकूतपुरा में और दूसरे जगह में बाकी मेंबर को लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करता है और शेल्टर भी देता है। ये गैंग आईटेन गैंग के नाम से जाना जाता है। इसका कारण ये है कि ये लोग दिल्ली से ज्यादातर समय ट्रेन से आते हैं और जाने के बाद जिस शहर में भी इनको ऑफेंस करना हो वहां आईटेन व्हीकल से ये लोकल मूवमेंट करते हैं लोग, इसीलिए इनका नाम आईटेन गैंग है। मार्च में इन्होंने एक ऑफेंस किया, फिर मई मंथ में जवाहर नगर में ऑफेंस हुआ, जून में लगभग 10 ऑफेंसेस हुए हैदराबाद, साइबराबाद और राजकोंडा में, उसके बाद सितंबर में भी एक बार आए ऑफेंस किए और लास्ट में अभी नवंबर महीने में जब ये लोग ऑफेंस करने के लिए आए तो वेस्ट जोन की टीम बहुत साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके पिछले 3 महीने से परसू करके इन लोगों को अरेस्ट किए। इस तरह से एसआर नगर के 2 केसेस हैं जो कि 3rd मंथ में और 9th मंथ में हुए थे, जवाहर नगर में 5th मंथ में एक केस हुआ, राजेंद्र नगर में जून में 2 केसेस हुए, आसिफ नगर में जून में 1 केस हुआ, राजेंद्र नगर में एक और केस में 2 केस, मीनपेट पुलिस स्टेशन में 1 केस, वनस्थलीपुरम में 2 केस और चंदा नगर पुलिस स्टेशन लिमिट में 1 केस हुआ। ये पूरे क्रिमिनल गैंग का काफी पुराना और पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये एक्चुअली 7 मेंबर्स का गैंग है जिसमें अभी 3 लोग फरार हैं, उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। इन लोगों का दिल्ली और मेरठ से वास्ता है और इसके पहले ये लोग जो ऑफेंसेस किए हैं उसमें बहुत जगह दिल्ली में अरेस्ट हुए। पहले 2008 में सदर बाजार पुलिस स्टेशन दिल्ली, 2016 में रूपनगर पुलिस स्टेशन दिल्ली, 2018 में फिर आरिफ इसमें ज्वाइन किया और उसके बाद 2018 में फरसा बाजार पुलिस स्टेशन में भी ये लोग अरेस्ट हुए, लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में 2004 में केस किए, उसके बाद अकोला पुलिस में भी ये लोग 2004 में केस में अरेस्ट हुए थे, 2010 में ये लोग लोधी पुलिस में आर्म्स एक्ट में भी अरेस्ट हुए और उसके बाद कुछ समय के लिए ये लोग मेरठ में जाकर बार-बार का भी काम किए थे, दिल्ली के द्वारा अरेस्ट हुए, लाहौर गेट पुलिस स्टेशन 1999 में दिल्ली में अरेस्ट हुए, आदर्श नगर पुलिस स्टेशन दिल्ली में अरेस्ट हुए थे, गोकुलपुरी पुलिस स्टेशन, निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन,
लाहौरी के पुलिस स्टेशन, ये सब जगह ये लोग इसके पहले ऑफेंस किए। जो तीन मेंबर इस गैंग के फरार हैं, उनके नाम है तौफीक, हसीम और डैनिश। ये लोग तीनों अभी फरार हैं और इन लोगों को भी हम लोग को अरेस्ट करना है दिल्ली पुलिस के साथ मिल करके और बाकी लोगों के साथ भी। तो ये पूरे काम में हमारे डीसीपी वेस्ट जोन एआर श्रीनिवास राव साहब के नेतृत्व में पूरा प्लानिंग हुआ, पूरा एग्जीक्यूशन हुआ और पिछले तीन महीने से इसके पीछे, इस आई टेन गैंग के पीछे सब लोग लगे हुए थे, जिसमें कि एसीपी विजय कुमार, डीआई अजय, जी श्रीनिवास, एसआई एन संजय और कांस्टेबल ऑफिसर पूर्णचंदर, वर प्रसाद, ईश्वर, श्रीकांत एसआर नगर के, ये लोग मिलकर बहुत अच्छा काम किए, जिनको हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन और रिवॉर्ड फंक्शन में रिवॉर्ड दिया जाएगा। थैंक यू।